बहराइच के सिकंदरपुर गांव में कई किलोमीटर अंदर गांव जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे भेड़ियों की मांद नजर आई। इन मांद को देखने से पता चलता है कि हाल ही में भेड़िये यहां पर आए हुए थे, यहां पर आराम भी किया था और मांद की निगरानी करने के लिए वन विभाग की टीम ने स्नैक कैमरे लगाए हैं ताकि भेड़ियों की एक्टिविटी को देखा जा सके। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस जंगल में और इस पेड़ के नीचे कई बार भेड़िये देखे गए हैं। एक बार 15 दिन पहले हम खेत देखने आए थे, ये हमारा खेत है, बीच खेत में मतलब खड़ा था और गाड़ी पर बैठे थे, गाड़ी से मतलब वो उसने हमारी तरफ देखा, हमने उसकी तरफ देखा, अगर सियार होता तो भाग लेता। हाँ, उसके साथी बराती भी यहाँ पे हैं, आज हो गए जी। हमको हमने देखा है करीब, हमारे जो टावर वहाँ लगा हुआ है, टावर में यहाँ से बचा के जा रहे तो सड़क के किनारे वो बाग में बैठा हुआ था, सड़क के किनारे। बहराइच में भेड़िये के हमले में एक बेटी ने खुद को बचाया। बहादुर बेटी के घर पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और बच्ची से बातचीत की गई। बहराइच के महसी तहसील में ऑपरेशन भेड़िया लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ में नहीं आया है। खासतौर से भेड़िया बच्चों को निशाना बना रहा है। आप इस तस्वीर में देखिए कि कितने बच्चे इस गांव में हैं। सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं और भेड़िया भेड़िया का शोर तो होता ही है। इन सबके बीच आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भेड़िये के हमले से अपने आप को बचाया और एक तरह से भेड़िये के हमले को मात दे दी। ये बच्ची बहराइच के चंदपैया गांव के एक मजरे की रहने वाली है और इस बेटी का नाम शमा है, उम्र 12 वर्ष है और ये बच्ची को भेड़िया ही उठाकर ले गया था। लेकिन इधर आइएगा, भेड़िया ही उठाकर ले गया था और फिर उसने दूर ले जाकर के छोड़ा। 7-8 दिन ये बच्ची एडमिट रही। आप देखिए किस तरह से ये निशान दिखा रहे हैं इनके पिताजी कि भेड़िया ने इस पर हमला किया था गर्दन पर और जब शोर हुआ तो भेड़िया भागा और उसके बाद ये 7-8 दिन अस्पताल में भर्ती रही और अब ये धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। और इस बेटी का नाम शमा है और बताते हैं जुलाई में भेड़िया ने अटैक किया था इसी गाँव में आकर के, इसी पूर्वे में आकर के। और इससे हम बात करते हैं, अगर ये बात कर सके तो बताएं। बेटा क्या नाम है आपका? शमा। शमा, क्या हुआ था उस दिन? बाग काटा। अच्छा, तो कहाँ सो रहे थे आप? कहाँ सो रही थी बेटा? वहाँ सो रही थी, मम्मी के पास सो रही थी। फिर क्या हुआ, कितने बजे भेड़िया आता है जी? आपको कैसे उठा कर ले गया? हाँ। उठा कर ले गया था। अच्छा, आप सो रही थी? हाँ। चिल्लाई होगी तुम? हाँ। खूब चिल्लाई तो पापा जगे आपके? हाँ। अच्छा, फिर कहाँ जाके छोड़ा फिर आपको बेटा? सड़क सड़क पे छोड़ा। आप अस्पताल में भर्ती भी रही? हाँ। कितने दिन भर्ती रही? 8 दिन। 8 दिन भर्ती रही अस्पताल में। तो अब आपने भेड़िया को हरा दिया। हाँ। अच्छा, तो अपना ख्याल रखिए, ठीक है? वेरी गुड। एक हफ्ता सरकारी में भर्ती रही, बाद में प्राइवेट में भर्ती रही, ऐसा कह रहे हैं लोग। आप उनके पिताजी, क्या हुआ था बताइए बच्ची के साथ? जी, यहाँ पर लेटी थी हमारी बीबी भैया, इसके बाद ये उठा ले गया था तो सड़क पर पहुंचे तो जब दोबारा भरने लगा तो दोबारा चिल्लाने तो नहीं, तो हम दौड़क गए ना तो देख कर मेरे मैंने बहुत थर्रा उठे। अच्छा, जब कच देखा आपने? जी सर, जानवर देखा तो जब चिल्लाया 10-20 आदमी इकट्ठा हो गया, तब वो का चिल्लाने के बाद तब भगा वो। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, चंदपैया गांव, मजरा भड़रिया टिपरी, बहराइच। बहराइच की इस बेटी ने भेड़िये को मात दी। बीती जुलाई में भेड़िये ने हमला किया था, 12 साल की बच्ची थी जो कि हमने आपको अभी भी दिखाई और गांव वालों के चिल्लाने के बाद भेड़िया भाग गया था। तो बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया लगातार जारी है और बहराइच के कई गांव में आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पंचायत भवन में लोगों के सोने की व्यवस्था की गई है और चंदपैया सहित कई गांव में आश्रय स्थल बना दिए गए हैं। अग्रौरा, दुबहा,
रायपुर सिसैया चूड़ामणि में भी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। तो भेड़िया क्योंकि गांव में कई घटनाएं कर चुका है, इसलिए आप लोगों ने सोचा कि अगर घर में दरवाजा नहीं है तो यहीं पर आश्रय स्थल में आकर के रातें गुजारे। ठीक, अपनी जान बचाव लिए पड़े हैं साहब। ठीक, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पड़े हैं। जी हाँ, ये व्यवस्था ठीक लगी आपको? जी हाँ, बहुत व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना खा करके घर से यहीं चले आते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, बच्चों को लेकर भी यहीं चले आते हैं? बच्चे वहीं रह जाते हैं, कुछ कुछ चले आते हैं, घूमते हैं गाँव में जागरण। आपको यहाँ पर जो है ठीक लगता है कि चलो भाई पंखा भी है, है ना, सारी व्यवस्था की गई है, चारपाई भी मिली, गद्दा वगैरह दिया गया है, तो ये ठीक है? जी 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 ठीक है। और आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ रातें गुजारते हैं आप लोग? जी हाँ जी, हम सुरक्षित रहते हैं यहाँ, अच्छी व्यवस्था की है? जी पर रहते हैं। दादा क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था ये की गई है यहाँ पर? बेड, चारपाई, बिस्तर सब मिला है? सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पर? तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सचिवालय है और यहाँ से हम लोग कवर कर रहे थे, ऐसे ही अलग अलग गांवों में ये व्यवस्था की गई है। तो आपने देखा, आपका घर असुरक्षित है और आपको लगता है कि घर में दरवाजा नहीं है, सेफ नहीं है, तो आप ऐसे आश्रय स्थलों का भी सहारा ले सकते हैं।